आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज इस स्टॉक पे हम बात करेंगे। ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी कैनवुड की किचन मशीन सेल करती है, प्लीज़ थोड़ा जल्दी बताइए जल्दी। नसीम साहब, पहले तो मैं ठीक है, मैं बनाता हूँ इस पर वीडियो। और होता क्या है कि जिन स्टॉक्स पर मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए हैं तो मैंने उनको मैं प्रायोरिटी वाइज लेता हूँ, या फिर अगर उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं क्वार्टर फोर के या जो भी नेक्स्ट होंगे भविष्य में, तो उनको प्रायोरिटी वाइज मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा पूरा प्रयास रहता है फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों के जो भी सुझाव आते हैं उन पे मैं वीडियोस बनाता रहूँ, उन पे थोड़ा सा स्टडी करके, ताकि आपको कुछ अच्छा बता सकूँ। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसके बारे में पहले बेसिक थोड़ा सा जानेंगे हम। इसकी वेबसाइट पर हम पहले चलते हैं। ये वही काम करती है जो इनकी कुछ कंपनियां हैं, मतलब इनकी जो पीयर कंपनियां हैं कंपटीशन वाले, जैसे कि हैवेल्स इंडिया जो नंबर वन कंपनी है, वो भी फैंस और काफ़ी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स में जैसे कि स्विच बोर्ड्स, फैंस और ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं जो घर में ही इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रिक। और एक अभी अप्रैल में लिस्ट हुई थी कंपनी जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया, तो वो जो लिस्टिंग प्राइस थी उससे भी अभी नीचे साइड में मिल रहा है। तो नो डाउट अभी जिस समय कुछ स्टॉक्स ऐसे लिस्ट हो रही हैं, जो कंपनियां लिस्ट हो रही हैं सेंसेक्स में, अपने मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो मार्केट ही पूरी जो है अभी बुलिश है। आप देख रहे हैं कितने वोलेटाइल है, ऊपर नीचे काफ़ी हो रहा है। तो नो डाउट अभी ये काफ़ी लिस्टिंग प्राइस से नीचे ही मिल रही हैं कुछ कंपनियाँ। उसी में से पिछले साल ये ओरिएंट इलेक्ट्रिक डीमर्ज हुई थी। हम एक न्यूज़ भी पढ़ देते हैं आपको ताकि लगे कि हाँ, ये न्यूज़ है आप 14 मई 2018 की, और शेयर्स ऑफ ओरिएंट इलेक्ट्रिक वर लिस्टेड एट 135 ऑन NSE ऑन मंडे फॉलोइंग इट्स डिमर्जर विद ओरिएंट पेपर। तो ओरिएंट पेपर भी एक कंपनी है, सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है, ये भी सीके बिरला ग्रुप की कंपनी ही है, तो उससे डिमर्जर हुई है। और इसकी जो लिस्टिंग हुई थी 135 के आसपास, एट द लिस्टिंग प्राइस इट वेंट ऑन टू 142 लेवल्स एंड देन सेटल्ड अराउंड इट्स लिस्टिंग लेवल्स। तो 142 के आस ऊपर तक गया और फिर उस हिसाब से 135 के आसपास ही ट्रेड चक्करता रहा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी इसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं क्वार्टर फोर के, तो वो भी देख लेते हैं कैसे रहे और ईयर ऑन ईयर भी। पहले शुरुआत करते हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड। आज का जो भाव, आज तो संडे मार्केट बंद है, लेकिन जो फ्राइडे को क्लोजिंग प्राइस थी इसकी 161 रुपये ऑन NSE और 50 वीक लो 103 तक गया है, हाई बनाया था 170 रुपये तक। और यहाँ पे देखिए मार्केट कैप है 3,418 करोड़ की और फेस वैल्यू 1 की है। 6 मंथ में जिन्होंने पैसे लगाए थे उनको 7.5% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है पॉजिटिव, और 1 साल पहले जिन्होंने पैसे लगाए थे उनको अभी भी 22.5% के आसपास के एक शानदार रिटर्न मिल रहे हैं, नो डाउट। और पी रेशियो इसका 48.43 है, EPS है 3.32, प्राइस टू बुक है 11.15। और प्राइस टू बुक देखिए लोग इस जिस हिसाब से इसकी बुक वैल्यू और उस हिसाब से प्राइस के हिसाब से लोगों ने काफ़ी महंगे पे ख़रीदारी कर रहे हैं। खैर, डिलीवरेबल है 70% के आसपास और डिविडेंड यील्ड है 0.62, यानी डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और डिलीवरी भी शानदार लग रही है, 70% तो बहुत का अच्छी है। अब यहाँ पे देखते हैं, हाँ अगर हम 2 सालों के चार्ट पे आते हैं मनी कंट्रोल की साइट पे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 15 मई के आसपास ये इसकी लिस्टिंग हुई, फिर ये ऐसे ऐसे चलता रहा, फिर डाउन लो बनाया इसने 108 रुपये के आसपास, डिविडेंड पे किया, डिविडेंड पे के मैंने लो गया, फिर इसने हाई मारा 170 रुपये, फिर लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, फिर काफ़ी नीचे आया 120 तक। इस प्रकार से धीरे धीरे चलता हुआ आज ये 161 रुपये के भाव पर ट्रेड हो रहा है। हम इस पर एक बार कर्जा भी देख लेते हैं और कितना है करीब करीब, देखिए बैलेंस शीट पे अगर हम चलते हैं तो 125 करोड़ का कर्ज़ा यहाँ पे दिखा रहा, जो कि काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना तो चलता ही है। और अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है साइट पे, जैसा कि इसका प्राइस टू अर्निंग
तो वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है, 50 रुपये के ऊपर। अगर 50 रुपये के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है तो ये वेरी एक्सपेंसिव की कैटेगरी में आता है, ऐसा यहाँ पे एक्सपर्ट्स जो हैं वो इन्होंने दिया हुआ है। तो ROC इसका 29.56% चलिए अच्छा है। ROE भी इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 22.61% के भी अट्रैक्टिव है निसंदेह, और वेरी एक्सपेंसिव पे अभी लग रहा है ये। और हम रिजल्ट्स में आ चुके हैं, तो पहले हम ईयर ऑन ईयर पे देख रहे हैं कि जो मार्च 18 में इसकी नेट सेल्स थी 623 करोड़ की, वो मार्च 19 में हो गई 637 करोड़ की, जो कि बढ़त के साथ 2.35% के आसपास अपसाइड है। लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट में देखते हैं तो जहां 46 करोड़ के आसपास थी, वहीं मार्च 19 में हो गई 38 करोड़ के आसपास, यानी 17.81% की डाउन साइड है। और मार्जिन में भी यहाँ 2.23% की डाउन साइड है, मार्जिन में भी यहाँ पर दबाव मिला है। तो इस वजह से प्राइस में अभी और नीचे जाने की संभावना है, क्योंकि इनके रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर के उतने ख़ास नहीं आए। वहीं पे अगर हम क्वार्टर के रिजल्ट्स देखते हैं तो क्वार्टर के निसंदेह शानदार दिख रहे हैं। जहां दिसंबर 18 में 420 थी, वहीं मार्च 19 में हो गई 637 करोड़ की, जो कि 51.68% मतलब 50% से अधिक की नेट सेल से क्वार्टर में। और नेट प्रॉफिट में वहीं जहाँ दिसंबर 18 में थी 11 करोड़ के आसपास, वही मार्च 19 में हो गई 38 करोड़ के आसपास, यानी कि 228% की अपसाइड है। और मार्जिन में भी यहाँ 4.66% की अपसाइड है, तो बेहतरीन। तो कंपनी तो वही काम करती है जैसे कि पंखे वंखे, स्विच गेयर्स बोर्ड्स, ये सब सारे जितने भी घर के में इस्तेमाल होते हैं प्लस इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं। तो बिज़नेस इनका ऐसा है कि बिज़नेस टू कस्टमर्स, ये एक अच्छी बात है। लेकिन मानता हूँ कि काफ़ी कंपटीशन भी है जो इनकी कंपनियाँ हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनी जैसे कि हैवेल्स है, पॉली कैब भी शानदार कंपनी है, भले ही अभी लिस्टिंग प्राइस से काफ़ी नीचे मिल रहा है। तो अगर आने वाले भविष्य में इसके फंडामेंटल अच्छे रहते हैं, तो अभी प्राइस तो छोटी लग रही लेकिन एक्सपेंसिव लग रही जिस हिसाब से इसके अर्निंग है, तो ऐसे ही अगर क्वार्टर फोर में जैसे रिजल्ट्स आए हैं ऐसे ही आगे भी देती रहे, बनाती रहे, ईयर ऑन ईयर भी अच्छे रहे, सब कुछ अच्छे रहे, काफ़ी अच्छा कमाए, तो ऑब्वियसली इसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है भविष्य में। और तो नज़र बनाए रहिए, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा करिए कि क्या करना चाहिए हमें इस पर। आपको खुद की अपनी स्टडी होनी चाहिए अगर आपको ये पसंद है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। और प्रमोटर्स के पास है 38.52% की ज़बरदस्त होल्डिंग है, और कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। और म्यूचुअल फंड्स इसमें हैं, इसमें 39 स्कीम्स ने पैसे लगा रखे हैं, FIIs भी हैं इसमें 23, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं खुदरा ग्राहक 16% के आसपास, एक शानदार। और इसने इसने डिविडेंड पे किया था अभी फरवरी में 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से। और टॉप सेगमेंट्स में इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 71% की इसमें से इनको रेवेन्यू है, लाइटिंग एंड स्विच गियर्स से 28.68% की रेवेन्यू है, और अपनी इंडस्ट्री में सेकंड नंबर पोजीशन रखती है। तो कंपनी बढ़िया है, और नज़र बनाए रखिए, और चाहें तो आप गिरावट में अगर आपको नीचे के लेवल पे काफ़ी मिलता है तो आप ले सकते हैं जितनी आपकी इच्छा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।